24 जनवरी 2023 को हिडनबर्ग रिसर्च नाम की वेबसाइट ने एक आर्टिकल पोस्ट किया जिसका टाइटल था अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। अब इस आर्टिकल के होते ही अडानी ग्रुप के शेयर के प्राइजेस गिरने लग गए, अडानी के कंपनीज की वैल्यू कम होने लग गई और साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट ने अपनी आधी वैल्यू गंवा दी। गौतम अडानी जो एशिया के रिचेस्ट पर्सन और वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन हैं वो थर्ड नंबर से गिरकर 17वें नंबर तक के पहुंच गए जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम तक। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अडानी की वजह से आधा इंडियन स्टॉक मार्केट गिर गया और हिडनबर्ग का इससे क्या कनेक्शन था, जानने के लिए वीडियो को देखें लास्ट तक के। Hindenburg has smacked the net worth of Gautam Adani. अडानी ग्रुप पर सवाल करने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने केवल अडानी ग्रुप को संकट में नहीं डाला। अडानी ग्रुप वर्सेस द हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड। अब ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी है क्या, वो करती क्या है और उसकी शुरुआत कैसे हुई, तो कंपनी के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए हम टाइम में थोड़ा बैक जाते हैं। 6 May 1937 इन मैनचेस्टर टाउनशिप न्यू जर्सी USA एक जर्मन पैसेंजर एयरशिप LZ-129 हिडनबर्ग अचानक से उड़ते समय इस पर आग लग गई जिसमें 30 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। तो ये इंसिडेंट को एक मैन मेड डिजास्टर बोला गया क्योंकि इसको चलाने वाले जो पायलट्स थे तो उनका भी ध्यान नहीं रखा गया और ये भी कहा जाता था रिसर्चर्स के द्वारा कि ये इंसिडेंट को कैंसिल किया जा सकता था अगर थोड़े भी सेफ्टी मेजर्स किए जाते तो इसलिए इसको मैन मेड डिजास्टर का नाम दिया गया। अब इस इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर 2017 में एक कंपनी की शुरुआत की गई जिसका नाम रखा गया हिडनबर्ग रिसर्च। इसकी शुरुआत की थी नेथन एंडरसन ने जो कि इजराइल के निवासी है और ये एक टाइम पे एम्बुलेंस चलाने का काम करते थे। अब इनकी कंपनी का काम ये है कि जैसे हिंडनबर्ग मैन मेड डिजास्टर बोला गया था वैसे ही स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा कंपनीज स्कैम करती है, स्टॉक के प्राइसेस मैनिपुलेट करती है, तो ये सब का पर्दाफाश करने के लिए कंपनी की शुरुआत की गई थी। तो इसमें भी स्टॉक मार्केट में जो भी मैन मेड डिज़ास्टर होते हैं, फाइनेंशियल डिज़ास्टर्स होते हैं, वो सबको रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी ताकि लोग उनको समय पर रिकॉग्नाइज कर पाए और अपना पैसा ना गवाए। अब आप लोग सोचेंगे कि ये कंपनी का क्या फ़ायदा होता है, तो गाइस ये कंपनी शॉर्ट सेलिंग के द्वारा प्रॉफिट कमाती है। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि स्टॉक का प्राइस है, आपने कोई स्टॉक 1000 रुपये का ख़रीदा और अब उसकी वैल्यू बढ़ के 2000 हो गई है, तो आपको 1000 रुपये का मुनाफा हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ, तो स्टॉक का प्राइस बढ़ को प्रॉफिट हुआ। अब स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का एक दूसरा तरीका भी है जो कि है शॉर्ट सेलिंग। अब इसमें क्या होता है, स्टॉक का प्राइस अगर कम होता है तब आपका फ़ायदा होता है, तो इस तरह से इसमें पैसा कमाया जाता है। अगर मान लीजिए कोई स्टॉक है उसका प्राइस है 1000 रुपये और वो घट के 500 रुपये हो गया और अगर आपने पहले ही शॉर्ट सेलिंग कर दी थी उसकी तो इसमें आपको 500 रुपये का मुनाफा हो गया क्योंकि प्राइस कम हुआ, तो इससे आप पैसा कमाएंगे शॉर्ट सेलिंग के द्वारा। तो ये शॉर्ट सेलिंग जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी है क्योंकि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है जब प्रॉफिट होता है, नॉर्मल तरीके से जो हम स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं, तो ऊपर जाने की कितनी भी सीमा नहीं है। जैसे कि 1000 रुपये का स्टॉक है वो 10000 तक की भी जा सकता है, 1 लाख तक की भी जा सकता है, 10 लाख तक की भी जा सकता है, तो उसमें आपके प्रॉफिट की कोई सीमा नहीं है, कितना भी ऊपर जाएगा आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में आपको लिमिटेड रहेगा क्योंकि 0 से नीचे तो कोई चीज़ आएगा नहीं, 1000 रुपये का स्टॉक 0 रुपीज़ से नीचे तो जाएगा नहीं, तो इसलिए इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये तभी कर सकते हैं जब आपको अंदाजा हो कि ये पर्टिकुलर फलाना स्टॉक का प्राइस घट के नीचे, तभी ये चीज़ करी जा सकती है। तो ये कंपनी कोई भी स्कैम या फिर स्टॉक मार्केट में हो रहे मैनिपुलेशन का पर्दाफाश करती है, तो उसमें इनको पता होता है कि इनकी रिपोर्ट आने के बाद इसका प्राइस नीचे चले जाएगा पर्टिकुलर स्टॉक का, जिससे कि शॉर्ट सेलिंग वो लोग पहले ही कर देते हैं और उनको फ़ायदा होता है। अब शॉर्ट सेलिंग के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे कि शॉर्ट सेलिंग पे आपको वीडियो चाहिए, उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो आइए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अब जानते हैं कि ये लोग प्रोसेस कैसे अपना करते हैं हिडनबर्ग रिसर्च। पहले तो इन्हें कंपनी पे जैसे ही शक होता है ये उन पे रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, जिसमें सीरियसली बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है और इनके रिसर्च करने के मेथड क्या है ये कंपनी वालों के अलावा किसी को भी नहीं पता। और जैसे इनकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक में बता देती है, जिससे पूरे मार्केट में हल्ला मच जाता है और लोग उस कंपनी के शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो शेयर्स की डिमांड घट जाती है लेकिन सप्लाई बढ़ जाती है।
और ग्रेजुअली प्राइजेस आर डाउन। और इन पूरे केस में हिंडनबर्ग रिसर्च शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बना लेती है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग सोचेंगे क्या ये इलीगल तो नहीं है शॉर्ट सेलिंग करना, तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका में ये लीगल है और ये यूएसए की कंपनी है, तो ये 100% लीगल चीज़ है शॉर्ट सेलिंग करना। और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको पब्लिक में देने से पहले ये लोग इन्वेस्टर्स जो है कंपनी के उनको भी ये बता देते हैं ताकि वो भी शॉर्ट सेलिंग से पैसा बना सके और हिंडनबर्ग इनसे कुछ परसेंट प्रॉफिट का हिस्सा ले लें। अडानी से पहले इन्होंने सबसे बड़ी रेड मारी थी निकोला कंपनी पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा जानी मानी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। रिसर्च से पहले निकोला कंपनी का नेटवर्थ $34 बिलियन था और रिसर्च के बाद उनका नेटवर्थ गिर के केवल $1.3 बिलियन का रह गया। विकिपीडिया की माने तो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी में केवल 5 एम्प्लॉयज काम करते हैं, मगर फिर भी लोग इन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि इन्होंने अभी तक सिर्फ 45 रिसर्च किए लेकिन इसमें से 75% सही साबित हुई है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जब अडानी पर काम किया तो इन्होंने स्टॉक्स पे नहीं बल्कि बॉन्ड्स पे पैसे लगाए, क्योंकि इंडिया में फॉरेनर्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते स्टॉक्स की। जितना इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में हलचल हुई है उससे ज़्यादा हलचल बॉन्ड्स मार्केट में हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक स्विट्जरलैंड का क्रेडिट स्विस, इसने अडानी के बॉन्ड को 0 रेटिंग दे दी है। मतलब अब कोई भी अडानी के बॉन्ड्स को गिरवी रख के लोन नहीं ले सकता इससे। जब इन्होंने अडानी पर रिपोर्ट निकाली तो इसमें टोटल 106 पेजेस थे जिसमें इन्होंने अडानी ग्रुप से 88 क्वेश्चंस पूछे। इसके अलावा उन्होंने 720 प्रूफ भी दिए कि अडानी कैसे स्कैम कर रहे हैं। वैसे तो किसी को भी हिंट नहीं लगता कि हिंडनबर्ग किस पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसकी रिपोर्ट 2022 में ही दे दी थी। उन्होंने बताया था कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने मॉरिशस की कॉरपोरेट हिस्ट्री डाउनलोड की थी, यहाँ पे उन्होंने अडानी की हिस्ट्री को भी डाउनलोड कर लिया था। रिसर्च का इंटरनेट पे आते ही अडानी को $65 बिलियन का नुकसान हो गया। उनके शेयर के प्राइसेस इतने गिरे कि उसमें लोअर गया, मतलब ना कोई उसको खरीद सकता है और जिसके पास ऑलरेडी है ना ही वो उसको बेच सकता है। यहाँ अडानी के नुकसान के साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट को भी नुकसान हुआ, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट ने भी अपनी वैल्यू 4.2 लाख करोड़ रुपीज से गवा दी। इन्होंने अडानी पे काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए जिसमें से एक था स्टॉक एलिगेशन। अडानी एंटरप्राइजेस का एक शेयर का प्राइस मार्च 2020 में ₹130 का था, जो कि 2022 में बढ़कर ₹4,000 से भी ज़्यादा हो गया। अब ये चीज़ ऐसे टाइम में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है जहां आधा देश रिसेशन से गुजर रहा है और कोरोना भी चल रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि अडानी है ही इतना अमीर और फेमस कि उसके शेयर का डिमांड ज़्यादा होने के कारण प्राइस बढ़ जाता होगा। कंपनी ने ये एलिगेशंस भी लगाए कि इनकी शेयर की डिमांड बढ़ी है आर्टिफिशियल डिमांड के थ्रू। अब अडानी के एग्जांपल से ये चीज़ भी मैं आपको समझाता हूँ। अगर लिस्टेड कंपनीज के पास अपने स्टॉक को सेल करने का और होल्ड करने का कंट्रोल होगा तो ऑब्वियसली वो अपने प्राइस को भी कंट्रोल कर सकती है। सेबी ने ये लॉ लगा दिया था कि कोई भी कंपनी 75% से ज़्यादा अपने शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकती। अडानी के जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स थे सब में 75% के आसपास शेयर्स अडानी के पास थे और बाकी के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर अडानी ही शेल यूनिट्स खरीदे थे। ये शेल यूनिट्स बाकी कंट्रीज जैसे मॉरिशियस वगैरह में ऑपरेट करती थी, इसी वजह से प्राइस कंट्रोल अडानी के हाथ में ही आ गया। और लोगों ने देखा कि इसका प्राइस इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली डिमांड भी इसकी बहुत हाई हो गई। डिमांड अडानी के परफॉर्मेंस से नहीं बढ़ी बल्कि आर्टिफिशियल डिमांड से बढ़ी। अडानी की कंपनीज में काफ़ी गवर्नमेंट कंपनीज जैसे LIC और SBI ने भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा था, तो इससे बात गवर्नमेंट पे भी आई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही LIC को 2 दिन में 18,000 करोड़ का नुकसान हो गया। हिंडनबर्ग ने अपनी रिसर्च में अडानी की हर कंपनी का करंट रेशियो भी दिया। एक कंपनी की प्रॉफिट या लॉस की हालत को पता करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड यही होता है। किसी भी कंपनी के करंट एसेट्स को उनकी करंट लाइबिलिटी से डिवाइड करने पे ये आता है। अब अगर ये 1 से कम है तो कंपनी इतने लोन में है कि अगर वो अपने सारे एसेट्स को बेच दे तब भी लोन ना चुका पाए, और अडानी की 5 कंपनीज का यही हाल था। अडानी की मोस्ट ऑफ द कंपनीज अपनी वैल्यू से भी ज़्यादा का लोन ले रखा है। इसी के साथ ये भी बताया गया कि अडानी की कंपनीज इंटरलिंक्ड है, मतलब अगर एक कंपनी भी लोन नहीं दे पाई तो सारी कंपनीज डूब जाएगी। रिसर्च का ये भी कहना है कि विनोद अडानी ने 40 कंपनीज मॉरिशस में खोली जिससे कि एक आर्टिफिशियल डिमांड बन जाए अडानी के शेयर्स की। अब ये विनोद अडानी गौतम अडानी के ही बड़े भाई है। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, AMPS की टोटल नेट वैल्यू $2.3 बिलियन है जिसमें से 99.4% उन्होंने अडानी लगा रखे। ओपाल ने तो अपने पूरे $613 मिलियन की वैल्यू अडानी में लगा रखी है। अब भैया हिंडनबर्ग की रिसर्च की रिपोर्ट जो आई है
इस पे अडानी ग्रुप थोड़ी शांत बैठने वाला था। उन्होंने भी 106 पेज की इस रिपोर्ट पर जवाब दिया है और इनका जवाब 413 पेजेस का था, जिसमें इन्होंने बताया कि 65 क्वेश्चंस इसमें से ऐसे हैं जिसका ऑलरेडी पब्लिकली आंसर इन्होंने दे चुका है। अब अडानी ने हिंडनबर्ग को एक धमकी भी दी है कि उन पे ये केस कर सकते हैं। अब हिंडनबर्ग का भी रिप्लाई आ गया कि कर लो भैया, आप हम पे केस कर लो, आपको एक्सपोज करने का और काम आसान हो जाएगा। मज़े की बात तो ये है कि जैसे ही ये रिपोर्ट आई तो उसके दो दिन बाद ही अडानी का FPO लॉन्च होने वाला था, पर इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी को अपना FPO वापस लेना पड़ा, क्योंकि इसका इफेक्ट सिर्फ अडानी पे नहीं इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ा। जिन लोगों को FPO मतलब नहीं पता, उनको बता देना चाहता हूँ, FPO का फुल फॉर्म है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, जिससे कि किसी भी कंपनी के शेयर्स को इश्यू किया जा सकता है अगर वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो। ये किसी भी कंपनी द्वारा ऑफर किया जाता है IPO के लॉन्च होने के बाद, इसको सेकेंडरी ऑफरिंग भी बोलते हैं। अब इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं जानते, अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब ये एलिगेशंस तो हिंडनबर्ग लगाए ये नए नहीं है, ऐसे ही कई सारे एलिगेशंस अडानी पे पहले भी लग चुके हैं। लेकिन एक चीज़ में मैं अडानी की तारीफ करना चाहूँगा, जब अमेजोन 40% से ड्रॉप हुआ था तो उसने अपने 10% एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया था। जब गूगल 50% से ड्रॉप हुआ था तो उसने अपने 6% एम्प्लॉयज को फायर कर दिया था। एंड फेसबुक 60% से ड्रॉप हुआ था तो उसने अपने 13% एम्प्लॉयज को हटा दिया था। लेकिन अडानी ग्रुप 70% से ड्रॉप हुआ है और उसने अभी तक अपने एक भी एम्प्लॉय को फायर नहीं किया है। तो ये चीज़ मैं अडानी की मैं तारीफ करता हूँ और उनको दिल से सैल्यूट। तो ऐसे ही बिजनेसमैन इंडिया को आगे लेके जाते हैं, जो खुद नहीं बल्कि अपने साथ वाले काम करने वाले लोगों को भी साथ में लेके चले। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है इस पूरे इंसिडेंट का और इस पूरे रिपोर्ट का, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट पूरी पढ़नी है, तो क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, 106 पेजेस की रिपोर्ट है, तो उसके लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ऐसी बिजनेस के स्कैम्स, केस स्टडीज, ये सबसे अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। और अभी तक ने आपने ये दोनों वीडियोज़ नहीं देखी है तो दोनों वीडियोज़ जाके देख लो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है ये भी। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, टिल देन बाय।